नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। अभी से अगर हम बात करें तो 20 दिन के बाद मॉनसून की शुरुआत बिहार में हो जाएगी, जिसको लेकर अभी से ही सतर्कता बढ़ती जा रही है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बार बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस प्रकार से जल जमाव को राजधानी पटना में रोका जाए। इसी कड़ी में बात करें तो दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव पुराना सचिवालय के सभागार में हो रहे बैठक में शामिल हुए, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ रीतलाल यादव की मुलाकात हुई है और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी इस मुलाकात की सामने आई है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से रीतलाल यादव और साथ ही साथ बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की मुलाकात हो रही है। बता दें कि इन तस्वीरों को साझा करते हुए रीतलाल यादव ने लिखा है कि पुराना सचिवालय स्थित सभागार में माननीय उप मुख्यमंत्री शह नगर विकास एवं आवास मंत्री की अध्यक्षता में आगामी मानसून अवधि में पटना में संभावित जल जमाव एवं उसकी समुचित जल निकासी हेतु नगर विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। तो बता दें कि दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव, लेकिन इस बीच हर साल ऐसा देखा जाता है कि जब भी मॉनसून की बारिश बिहार में होती है तो खास करके राजधानी पटना की बात करें तो कई एक ऐसे अलग अलग भाग हैं पटना के, या हम कह लें अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। गली मोहल्ले में पानी जम जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी तरह की परेशानी होती है। लेकिन इस बीच खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि इस बार मॉनसून की बारिश से बिहार को और राजधानी पटना को बचाया जा सके, लोगों को परेशानी ना हो, जिसको लेकर आज ये बैठक पुराना सचिवालय के सभागार में की गई है, जहां पे आरजेडी से विधायक रीतलाल यादव भी शामिल हुए हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे, जिनके मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आई है। तो दानापुर से विधायक है रीतलाल यादव, लगातार जनता के हित में जो कदम है वो उनकी तरफ से उठाए जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोगों से जाकर मुलाकात करना, उनके घर पर जाकर मुलाकात करना, ये काम रीतलाल यादव की तरफ से किया जाता है और यही वजह है कि आज एक बार फिर से पटना में ये जो बैठक बुलाई गई, इस बैठक में रीतलाल यादव भी शामिल हुए, जहां पे तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की गई प्री मॉनसून से किस तरह से बिहार को बचाया जा सके, पटना के सड़कों को बचाया जा सके, लोगों को परेशानी से निकाला जा सके, इन तमाम चीजों पर जो मंथन है वो की गई है, जिसकी तस्वीरें निकल कर सामने आई है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।